नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको, अगर आप भी कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि आगे चल के मल्टी बैगर बने, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को आपको ट्रैक जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में ये लिस्टेड शेयर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, अगर 3 दिनों की बात करें, तो 3 दिनों में इस कंपनी ने आपको 24% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो कमाल का बिजनेस है, यानी कि मोनोपोली बिजनेस है। तो मेरे ख्याल से इस शेयर को आपको ट्रैक भी करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी के साथ साथ अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन सी कंपनी है, कंपनी के डिटेल्स क्या है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे और कंपनी का अगला टारगेट क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों आज के अपने स्टॉक। मैं बात कर रहा हूं एमटॉल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो करता ही जा रहा है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो 1264.85 रुपए पे आज क्लोजिंग होता हुआ दिखा है। लेकिन वही आज के ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 8% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी में। अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई जो कि इसने आज अपना लगाया है 1299 रुपए का। लेकिन अगर 52 वीक लो की बात करें तो आप देखेंगे 860 रुपए जो कि 19 मार्च 2021 को इस कंपनी ने लगाया था। वही अगर आज के डिलीवरी की बात करते हैं तो 28% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि क्वांटिटी की बात करें तो आप देखेंगे 427,000 से ज्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू आपको हर साल बढ़ता हुआ दिखेगा, चाहे आप लॉकडाउन में भी अगर बात करें, यानी कि 2020 और 21 की बात करें, तो उसमें भी इनका आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 2018 में कंपनी 5.42 करोड़ का प्रॉफिट बनाई थी, जबकि 2019 में कंपनी ने लगभग 40 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। 2020 में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई, लेकिन रेवेन्यू कम नहीं हुआ था। आप देखेंगे 2020 में कंपनी 31.31 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था और 2021 में कंपनी ने अगेन बाउंस बैक किया और आपने देखा 46.05 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। तो ये काफी अच्छी बात है, यानी कि इनका प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आप देखेंगे इसमें जो प्लेस शेयर है, हालांकि वो तो बिल्कुल भी नन है, तो यहाँ पे भी आपको वो शो होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करें म्यूचुअल फंड जो कि अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, तो आप देखेंगे पिछले 3 महीने में 20.80% की होल्डिंग बढ़ाई गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल। दोस्तों, अगर इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो हालांकि बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी ने 860 रुपए का अपना नया लो बनाया था, उसके बाद से इस कंपनी में ग्रोथ आई और यह कंपनी 1300 रुपए के पास पहुंच चुका है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ यह कंपनी ग्रो कर रहा है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल। दोस्तों, अगर इस कंपनी के हम बात कर लेते हैं रिटर्न की, तो आप देखेंगे एक हफ्ते में आपको 22% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन 3 दिन की बात करें तो 24% के आसपास का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं बात करें 1 महीने में तो 24%, 3 महीने में 20%। हालांकि अब जाहिर सी बात है पैनी शेयर तो है नहीं कि 1 महीने में आपको 100% का रिटर्न दे दे। मैंने कहा सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ, मल्टी बैगर का निशानी यही होता है कि वो सेफ्टी के साथ साथ भी आपको कैपिटल को ग्रो करता है। तो मेरे ख्याल से ये शेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस कंपनी के आज के ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे स्टार्टिंग तो काफी स्लो हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफी तेजी पकड़ी और यह कंपनी काफी तेजी के साथ काफी ऊपर तक गया था। अगर आज के लो की बात करें तो आप देखेंगे 1145 रुपए का इसने आज अपना लो बनाया था, जबकि हाई बनाया था 1299 रुपए का। तो देख लेते हैं कंपनी का डिटेल क्या बनता है, कंपनी का अगला टारगेट क्या हो सकता है, कंपनी का सपोर्ट कहाँ पे रखना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कंपनी के अगले टारगेट की बात करें तो अगला इनका जो टारगेट होगा वो 1300 रुपए का ही होगा, जो कि आज का हाई भी था। हालांकि 1 रुपए कम था तो उसे आप मैनेज कर लीजिए, लेकिन जैसे ही इनका 1300 रुपए का लेवल टूटेगा उसके बाद यह कंपनी आपको 1500 रुपए तक का अगला टारगेट बनता हुआ दिखा देगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, यानी थोड़ा टाइम कहने का मतलब है कि आपको 10 से 15 दिन 20 दिन का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कंपनी एकदम रॉकेट बनकर उड़ जाए। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है कंपनी को ग्रो करने के लिए। यहाँ से 200 पॉइंट भागना कोई कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है, ये तो 1 से 2 दिन में भी कंपनी भाग सकती है। ऐसे भी नहीं है कि वो 1 हफ्ते या फिर 10 दिन का भी टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम आपको 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी अगर भागती है तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट करके जब अगेन भागती है तो वो काफ़ी एक हेल्दी ग्रोथ की निशानी होती है। तो आप उस हिसाब से इसमें अपने प्लानिंग बना सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो मेरे ख्याल से इस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, ताकि आपको एक मल्टी बैगर
की जो रिटर्न होता है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो आपको मिल सके। तो मेरे ख्याल से इस शेयर को आपको जरूर से जरूर होल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको ट्रैक करके अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।